गुड मॉर्निंग। आज की डेट है 26 सितंबर 2018 और हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं करंट अफेयर एमसीक्यू। और देखिए, इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे प्ले स्टोर में जा करके ये टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके अंदर सर्च कीजिए उड़ान एजुकेशन हब, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हो, यहाँ से भी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ ही जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे जो बायोलॉजी की सीरीज़ है वो भी डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे कि हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड केंथ एनाराइट एज ए चीफ प्राइवेसी ऑफिसर, यानी कि केंथ एनाराइट को अपने मुख्य गोपनीयता अधिकारी के रूप में किसने यहाँ पे नियुक्त किया है। तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये यहाँ पे किया गया है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा, गूगल ने। गूगल ने क्या किया है देखिए, और यही है यहाँ पे केंथ एनाराइट, यहाँ पे जो प्रौद्योगिकी प्रमुख गूगल ने अपने यहाँ पे एक सीक्रेट चीफ प्राइवेसी ऑफिसर के रूप में केंथ एनाराइट को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। कंपनी ने यहाँ पे जो संभावित संघीय विनियमन और नीतियों का जो प्रस्ताव है उसके द्वारा बताया गया है कि एक नई भूमिका निभाने के लिए यहाँ पे एनाराइट की यहाँ पे एक चीफ प्राइवेसी ऑफिसर के रूप में इनको नियुक्ति दी गई है। और आगे आने वाले टाइम के अंदर गूगल के प्रति बहुत सारी रणनीतियाँ तैयार करने का जो प्रभार है वो इनके कंधों पर रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। हाल ही में दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण WAYU का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। रिसेंटली द एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इन दिल्ली हैज बीन डन बाय द इनोग्रेशन ऑफ WAYU। चलिए ऑप्शन के अंदर देखते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इमेज के अंदर देखिए यही है, यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जिनको यहाँ पे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में जाना जाता है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को, इन्होंने यहाँ पे दिल्ली के चौराहों के ऊपर जो कि यातायात जंक्शन के लिए वायु नियंत्रण एक उपकरण लगाया गया है। ठीक है, जिसका नाम इन्होंने यहाँ पे रखा है WAYU। इसकी फुल फॉर्म देखिए क्या है, यह है विंड एग्यूमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट। दोबारा बता रहा हूँ, W से बना विंड, फिर A से बना एग्यूमेंटेशन, P से बना प्यूरिफाइंग और U से बना यूनिट। ठीक है, इसका यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, जिसके तहत बात यह आती है कि ये जो इक्विपमेंट है ये तैयार किसने किया है, तो तैयार किया गया है CSIRNEERI के द्वारा, नेरी के द्वारा। ठीक है, ये नेरी है क्या, तो ये है यहाँ पे राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। ठीक है, जिसके द्वारा यहाँ पे इसको बनाया गया है। इसका काम क्या है देखिए, इसका काम ये है कि एक ऐसा डिवाइस है जो अपने 500 मीटर 500 वर्ग मीटर की रेंज के अंदर वायु को क्या शुद्ध करेगा। और इसकी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी वो अभी दिल्ली को थी, तो हाल फिलहाल अभी एक डिवाइस लगाया गया है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर यानी कि 15 अक्टूबर तक बोला जा रहा है कि ऐसे 54 डिवाइस जो है वो दिल्ली के चौराहे के ऊपर स्थापित कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। हु हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू डबल द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। देखिए, हाल ही के अंदर जो बाघों की आबादी है उसको दोगुना करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो ऑप्शन के अंदर देखिए ये बन गया है यहाँ पे नेपाल, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और ये जो टाइगर है इनको यहाँ पे डबल करने का जो काम है वो यहाँ पे नेपाल ने करके दिखाया है। और ये किसके तहत करके दिखाया है देखिए, यहाँ पे एक योजना शुरू की गई थी WWF के द्वारा, यानी कि विश्व वन्य जीव फाउंडेशन के द्वारा, और इस कार्यक्रम के रूप में यहाँ पे नेपाल ने जो बाघों की आबादी है उसको दुगना करके दिखाया है, और ऐसा काम करने वाला ये पहला देश बन गया है। ठीक है, राष्ट्रीय संरक्षण दिवस के ऊपर नेपाल ने 23 सितंबर 2018 को ये घोषणा की है कि देश के अंदर अभी हाल फिलहाल उनके पास 235 जंगली टाइगर है, लेकिन 2000
नौ के अंदर यह संख्या 121 थी। ठीक है, तो ये आंकड़ा इन्होंने यहाँ पे जो है वो डबल करके दिखाया है। और 2013 के अंदर यहाँ पे जो बाघ सर्वेक्षण अनुमान लगाया गया था कि देश के अंदर बाघों की आबादी लगभग 198 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो चलाया गया था, और अभी बात की जा रही है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, पूरे विश्व के अंदर 2022 तक जो यहाँ पे टाइगर है जितने, उनकी आबादी को क्या है दुगना करना ही इस यहाँ पे जो कार्यक्रम शुरू किया गया था इसका मेन काम था। ठीक है, चलते हैं आगे। हु हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी टू मॉनिटर प्रिजन रिफॉर्म। ठीक है, यानी कि जेल सुधारों पर नजर रखने के लिए यहाँ पे एक समिति का गठन किया गया है, तो वो किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन के अंदर देखिए, ये किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ये किया गया है किसके? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के अंदर जो जेल है उनके अंदर सुधार को ध्यान देते हुए, ठीक है, और इससे निपटने के लिए कि उनके अंदर क्या क्या सुविधा होनी चाहिए या फिर क्या क्या उसके अंदर बुराइयां हैं उनको खत्म करने के लिए, ये सब यहाँ पे उनको उनकी जो हालात है, जो खस्ता हालत है उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे एक न्यायमूर्ति अमिताव राय की अध्यक्षता के अंदर एक 3 सदस्य समिति गठित की गई है। यहाँ पे न्यायमूर्ति MB लोकर की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने कहा है कि समिति के अंदर जितनी भी जेल है जिनके अंदर अधिक भीड़ है उन सभी मुद्दों के ऊपर विचार किया जाएगा और आने वाले टाइम के अंदर इसको सुधारा जाएगा, और खासकर इसके अंदर जो महिला कैदी है उनसे संबंधित यहाँ पे बहुत सारे मुद्दों के ऊपर जो है नज़र रखी जाएगी, और आने वाले टाइम के अंदर यानी कि जेलों के अंदर भी उनको थोड़ी सी ठीक ठाक सुविधा दी जाए, ये यहाँ पे कोशिश रहेगी। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का नाम आया है तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ के CJI कौन है। CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये है फिलहाल दीपक मिश्रा, और आने वाले टाइम के अंदर होंगे रंजन गोगोई। ठीक है, ये आने वाले टाइम के अंदर कौन होंगे? CJI ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, चलते हैं आगे। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस शहर के अंदर भारतीय पाक कला संस्थान का उद्घाटन किया है? रिसेंटली द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड इंडियन कॉलिनरी इंस्टीट्यूट इन विच द फॉलोइंग सिटी। तो ऑप्शन के अंदर देखिए ये किया गया है यहाँ पे तिरुपति के अंदर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, और किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू के द्वारा। इन्होंने कहा है कि भारतीय खाद्य विरासत के अंदर कला और विज्ञान दोनों क्या है एक मिश्रण है, और इसका असाधारण रूप से विशाल और बहुत ही ज़्यादा अलग है। और इन्होंने यहाँ पे तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, भारतीय पाक संस्थान और आंध्र प्रदेश के एक पूर्वी गोदावरी जिलों के अंदर दो परियोजना है जिनको इनके द्वारा शुरू किया गया है, और उसी का उद्घाटन करने के बाद इन्होंने यहाँ पे सभा को जो है संबोधित किया है। ठीक है, चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल बी होस्टेड बाय द 4th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल रिसेंटली, यानी कि चौथा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह निम्नलिखित में से किस शहर के अंदर आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन के अंदर देखिए ये किया जाएगा लखनऊ के अंदर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, कब किया जाएगा? 6 अक्टूबर को। कहाँ किया जाएगा? लखनऊ के अंदर। ठीक है क्या ये? देखिए ये है यहाँ पे IISF यानी कि इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018, जो कि 5 से लेकर के 8 अक्टूबर तक चलेगा, और इसके अंदर कम से कम भी 10,000 जो प्रतिनिधि है वो हिस्सा लेंगे, जिनके अंदर बात करें तो 5,000 तो छात्रों की संख्या होगी, इसके साथ ही साथ कम से कम भी 500 से 600 इसके अंदर शिक्षक भाग लेंगे, और जो यहाँ पे कम से कम भी 200 ऐसे छात्र होंगे जो पहले इसका हिस्सा रह चुके हैं, और 20 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इसके अंदर भाग लेंगे। ठीक है, तो ये सारे इसके अंदर क्या है यहाँ पे भाग लेने के लिए आएंगे, और बहुत ही यहाँ पे जोर शोर से इस उत्सव को जो है मनाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। रिसेंटली BS मुबारक हैज बीन अपॉइंटेड एज ए नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया
टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी कि बीएस मुबारक को किस देश के अंदर अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये यहाँ पे किया जाएगा, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा, रिपब्लिक ग्वाटेमाला। ठीक है, इस देश के अंदर इनको अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा और बहुत जल्द ही ये अपनी जो नियुक्ति है ग्रहण करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, यही है यहाँ पे BS मुबारक। चलते हैं आगे। रिसेंटली अनिल कुमार चौधरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देखिए, जो अनिल कुमार चौधरी है उनको निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के यहाँ पे उपक्रम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये किया गया है सेल के अंदर, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा और यही है अनिल कुमार चौधरी। देखिए, इनको यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो अनिल चौधरी देश की सबसे बड़ी जो इस्पात बनाने वाली कंपनी है, निदेशक के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और सेल के चेयरमैन का जो पद है वो 30 जून को यानी कि PK सिंह के द्वारा यहाँ पे क्या है खाली हो गया था, यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद, तो तब से ये खाली है और उनकी जगह अब लेंगे अनिल कुमार चौधरी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो इसको लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ आप इसको शेयर भी कर दीजिए और हाँ, हमें कमेंट करना ना भूले, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे द्वारा किए जा रहे एफर्ट्स आपको कितने पसंद आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।